मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को 75 वाट सोलर पैनल से क्या क्या हम चला पाएंगे, यानी लोड टेस्टिंग 75 वाट पैनल की मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं 75 वाट का पैनल है और आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं इसकी लोड की, मतलब कि लोड टेस्टिंग करने वाले। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए। देख पा रहे हैं ये सोलर पैनल है और हम इससे लोड टेस्टिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम आज इसका लोड टेस्टिंग करेंगे सोलर पैनल का, तो आइए इसका लोड टेस्टिंग करते हैं। तो ये 75 वाट का सोलर पैनल है जो कि हमें मैक्सिमम 4 एम्पीयर तक प्रोवाइड करा देता है, तो इससे हम कितना लोड ले सकते हैं तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ तो मैं इस 2 DC फैन लिया हूँ। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस तरीके के ये 2 DC फैंस हैं जो कि 12 वोल्ट से चलने वाले हैं। फ्रेंड्स, दोनों को मैंने कनेक्शन किस प्रकार किया वो भी मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया इस प्रकार से। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से मैंने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और इसे डायरेक्टली पैनल से कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने निगेटिव को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से एंड फ्रेंड्स, मैंने पॉजिटिव को अभी कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि अभी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 75 वाट का पैनल है, मैं पहले आपको दिखा दूं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इसमें पैनल के पीछे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं 75 वाट यानी 75 वाट का पैनल है और ये हमें मैक्सिमम करंट 4.80 एम्पियर तक प्रोवाइड करा देता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए अब हम टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वायर को इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने इसे कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से एंड फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये फैन फुल स्पीड पर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल फुल स्पीड पर, बिल्कुल भी स्लो नहीं है और मैं इसकी हवा आपको दिखा दूं कितनी मस्त हवा ये हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से फैंस हमारे चल रहे हैं और 75 वाट का पैनल है और इसमें मैंने 2 फैन को ही केवल चलाया है और इसमें चाहे तो आप एक फ़ैन और लगा लीजिए पैनल में तो हम आपका फ़ैन भी बराबर ही चलता रहेगा, हल्का फुल्का फ़र्क आएगा पर बराबर चलता रहेगा। फ्रेंड्स, और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि जो इसमें वोल्टेज होते हैं 20 वोल्ट 19 वोल्ट ये आकर के हमारे 12 वोल्ट पहुंच जाएंगे, तो इससे हमारी मोटर जलने का कोई डर नहीं रहेगा, फैन जलने का और हमारा अच्छी तरीके से कार्य भी करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करिए।